कुशाद यादव आरजेडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और देखिए जो समर्थक हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ साथ, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं, साथ में भोला यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सीधी नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, जहाँ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक साथ पहुंचे हैं प्रदेश कार्यालय। बिहार भर से लोग पहुंचे हैं। देखिए आरक्षण के दायरे को लेकर लगातार तेजस्वी यादव आवाज़ बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, जहां राजद कार्यालय में हलचल तेज है और पूरे बिहार भर से लोगों को बुलाया गया है, वहीं लालू प्रसाद यादव भी पहुँचे हैं। देखिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस समारोह जो है वो राजद कार्यालय में मनाई जा रही है और पूरे बिहार भर से लोगों को बुलाया गया। ऐसे में लालू प्रसाद यादव राजद कार्यालय पहुंच चुके हैं। देखिए बीजेपी और जेडीयू के कई नेता आरजेडी का दामन थामेंगे, कई राजनीतिक दलों के नेता आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पहुँच चुके हैं आरजेडी कार्यालय, तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। आपके स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही होगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक साथ राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। और लालू प्रसाद यादव जैसे ही अपने गाड़ी से उतरे, तेजस्वी यादव सीधा कार्यालय के अंदर। उससे पहले उन्होंने, आज 5 सितंबर है और आपको पता होगा आज शिक्षक दिवस है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव जब राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, तेजस्वी यादव साथ में थे। राजद के कई वरिष्ठ नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे और उस बीच देखिए लालू प्रसाद यादव सबसे पहले वाहन से उतरते हैं अपने, और तेजस्वी यादव एक साथ उतरते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती समारोह भी राजद कार्यालय में मनाई जा रही है। ऐसे में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पुष्प अर्पित करते हैं, और उसके बाद बहुत दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव अपने चेंबर में बैठने के लिए प्रवेश करते हैं। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं। देखिए बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में होता दिखाई दे रहा है और राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। ऐसे में उलटफेर की भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि बड़ा उलटफेर हो सकता है लालू प्रसाद यादव, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक्टिव है। तेजस्वी यादव लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम, देखिए अब अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम राजद के प्रदेश कार्यालय में रखा गया है और पूरे बिहार भर से लोगों को बुलाया गया है। देखिए राजद कार्यालय में जिस तरीके से लोग पहुंचे हैं, लालू प्रसाद यादव का पहुंचना भी लाजमी था और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव भी पहुँचे हैं। देखिए हलचल तेज है, सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सिंध मारी की बड़ी तैयारी, वहीं बीजेपी खेमे में भी हलचल है। अलर्ट पर बीजेपी खेमा भी है, मगर अब देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, और ऐसे में सियासत गर्म। और ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही है, उसे आप देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव राजद कार्यालय पहुंचे हैं। अपने वाहन से उतरते ही वो सीधा सबसे पहले, क्योंकि आज 5 सितंबर है और ऐसे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती समारोह भी राजद कार्यालय में मनाई जानी थी, लालू प्रसाद यादव सबसे पहले उतरते हैं। और देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती बनाई जा रही थी और सबसे पहले पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद देखिए वो कार्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चैम्बर है वहाँ लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव प्रवेश कराते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और वहाँ सबसे पहले लालू प्रसाद यादव अपने कार्यालय में बैठेंगे कुछ देर, और उसके बाद फिर अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मगर देखिए उसी बीच ये खबर है कि कई राजनीतिक दल के नेता राजद का दामन थामेंगे और सियासत भी गर्म है। देखिए जहां एक तरफ जेडीयू खेमे में हलचल तेज है, बीजेपी अलर्ट पर है, वहीं राजद भी अब लगातार
यह कोशिश में है कि राजद कुंभा जो है वो मजबूत हो, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, सरगर्मियां तेज हैं, जहां राजद के कई वरिष्ठ नेताओं ने राजद का दामन छोड़ा है, लालू प्रसाद यादव के कई करीबी नेताओं ने राजद का दामन छोड़ा है। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और 10 तारीख आने वाले 10 सितंबर को तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर होंगे। यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से होगी, समस्तीपुर से कारवा तेजस्वी यादव का आगे बढ़ेगा। हालांकि यह यात्रा जनविश्वास यात्रा की तरह बिल्कुल नहीं होगी, यह स्पष्ट है। और बीते दिनों जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी कई निर्णय लिए गए हैं, कई अहम फैसले लिए गए हैं, और फैसला यह भी है कि ना ही पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे और ना ही गमछी लहराया जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से तमाम विधायकों को और सांसदों के साथ साथ जिला अध्यक्षों को कह दिया है कि सबसे पहले आप एक सूची तैयार कीजिए, उन नेताओं की सूची जो ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रहे हैं, और उनकी सूची जो है वो जो प्रभारी बनाए जाएंगे उन्हें सौंपनी है। और तेजस्वी यादव उन तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संवाद करेंगे। देखिए, संवाद इसलिए भी तेजस्वी यादव करना चाह रहे हैं, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में तेजस्वी यादव पुनः एक यात्रा पर निकलेंगे। वो यात्रा आम लोगों के बीच होगी, तेजस्वी यादव आम लोगों के बीच जाएंगे और जन समस्याएं जो कार्यकर्ताओं और राजद के नेताओं की तरफ से अवगत कराया जाएगा उन तमाम समस्याओं को लेकर ग्राउंड जीरो पर होंगे तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान तैयार करें, क्योंकि तेजस्वी यादव को भली बात ही इस बात का अंदेशा है कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होगा, इस बार ग्राउंड जीरो पर रहना अति आवश्यक है। और यही कारण है कि जहां एक तरफ एनडीए खेमा होगा वहीं दूसरे तरफ महागठबंधन होगा, और महागठबंधन का नेतृत्व करते तेजस्वी यादव होंगे। यानी कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और उन जिम्मेदारी को लेकर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। यही कारण है कि तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। एक यात्रा आने वाले 10 तारीख यानी 10 सितंबर से उसकी शुरुआत होगी, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में पुनः एक यात्रा तेजस्वी यादव करेंगे, वह आम जनता के बीच होगी यानी आम जनमानस के बीच। देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे और एक बड़ा कार्यक्रम, पूरे बिहार भर से लोग पहुंचे। देखिए, कार्यालय बेशक छोटा पड़ रहा है क्योंकि लोग खड़े हैं और लोग तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सुनना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव कई दिनों के बाद राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सबसे पहले लालू प्रसाद यादव अपने कक्ष में गए, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चैम्बर है उसमें लालू प्रसाद यादव प्रवेश करते हैं, और अब मंच पर लालू प्रसाद यादव जाएंगे और निशाने पर एनडीए की सरकार होगी, निशाने पर केंद्र सरकार होगी, आरक्षण का दायरा बढ़े और संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। देखिए, कई बातें हैं जिसको लेकर आज लालू प्रसाद यादव हुकार भरेंगे, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव के रडार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।